देखिए हमारे तीन तरह के कॉर्न बन के बिल्कुल रेडी हैं। ये हमारा क्लासिक बटर कॉर्न, ये हमारा चीज एंड चिली कॉर्न और ये हमारा मसाला कॉर्न। तो आप भी घर पे जरूर इनको बनाएं। ये कॉर्न्स बनाना बहुत इजी है और ये सबको बहुत ही पसंद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 type of corn, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत सिंपल तरीके से। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न। 3 तरह से मैं आपको स्वीट कॉर्न बनाना दिखाऊंगी। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। तो जैसे जैसे मैं कॉर्न बनाऊंगी वैसे वैसे आपको बताऊंगी। ये मैंने 2 cup स्वीट कॉर्न लिया है, जो फ्रोजन स्वीट कॉर्न होता है हमें इस रेसिपी के लिए वही लेना है, उससे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इधर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है बॉईल होने। ये 2 cup के लगभग मेरे पास स्वीट कॉर्न है और लगभग उतना ही पानी मैंने बॉईल होने के लिए रखा है। जब पानी बॉईल होने लगेगा तो हम अपने स्वीट कॉर्न को इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको ढक के 3-1 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा कुक्ड होता है। तो 3-1 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो 3-1 मिनट हम इसको कढ़ाई में ऐसे ही पकने देंगे। देखिए हमारे कॉर्न बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं और जो हमने इनमें थोड़ा सा पानी डाला था कॉर्न को कुक करने के लिए, वो पानी भी ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम अपना गैस सिम कर देंगे और टर्न बाय टर्न जो हम 3 types के कॉर्न बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक एम्प्टी कंटेनर लिया है, इसमें हम ये थोड़े से, उधर मैंने गैस सिम कर दी है जिससे हमारे कॉर्न्स गर्म रहें, ये मैंने थोड़े से कॉर्न इसमें ट्रांसफर कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच बटर और इसको बहुत अच्छे से बटर को, क्योंकि कॉर्न गर्म है, बहुत अच्छे से अपने कॉर्न के साथ हम बटर को मिक्स करेंगे। ये क्लासिक कॉर्न बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, नमक, काली मिर्च और बटर, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखिए बटर से डालने से कितना शाइन करने लगे हैं ये कॉर्न। और ये आपका फर्स्ट वेरिएंट कॉर्न तैयार है। अभी हमारा फर्स्ट टाइप का कॉर्न तैयार है। अब हम इन्हें सर्व करने के लिए, ये मेरे पास पेपर कप्स हैं, हम इनमें ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कॉर्न तैयार है। अब हम बनाते हैं सेकंड टाइप ऑफ कॉर्न। हमने फिर से कढ़ाई में से थोड़े से कॉर्न निकाले हैं। अब हम बना रहे हैं चीज कॉर्न्स। तो चीज कॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी ये ऑरिगेनो डाले मैंने। कितना डालना है, क्या क्वांटिटी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मैं इसमें लगभग 1/4 teaspoon गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप बहुत बारीक काट के इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले, ये बहुत फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज डाली हैं मैंने इसमें। और फिर से हम इसमें 1 चम्मच बटर डालेंगे और ये 1 चीज़ क्यूब है जिसमें से आधा मैंने ग्रेट कर लिया है, वो हम अपने कॉर्न्स में मिला देंगे। और फिर से इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। अगर आपके बच्चे चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आप चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली की वजह से। और अब एंड में हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक थोड़ा इसमें कम जाएगा क्योंकि हमने चीज़ डाला है, तो नमक बहुत थोड़ा सा जाएगा। ये देखिए येलो, ग्रीन और रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा सेकंड टाइप का भी कॉर्न रेडी है। ये देखिए सेकंड टाइप का हमारा चीज कॉर्न भी रेडी है। इनको भी हम पेपर कप्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए चीज और बटर की वजह से कितना क्रीमी और कितना शाइनी लग रहा है हमारा ये बटर। ये हमारे 2 तरह के कॉर्न्स रेडी हो गए।
अब ये हम बनाएंगे क्लासिक मसाला कॉर्न। मसाला कॉर्न बनाने के लिए ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, ये थोड़ा सा गरम मसाला और रेड चिली पाउडर डालेंगे हम। ये मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे तीखापन थोड़ा कम रहेगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। और हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और वही हमारा 1 चम्मच बटर। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके अपना क्लासिक मसाला कॉर्न बनाएंगे। ये देखिए, जैसे जैसे बटर मेल्ट होगा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कॉर्न में मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए, क्योंकि मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ करी है तो आप देख पा रहे होंगे कलर कितना अच्छा आ रहा है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप रेगुलर रेड चिलीज जो हम घर पे यूज़ करते हैं खाने में वो डाल सकते हैं। ये हमारा तीसरे तरह का कॉर्न रेडी है, इसको भी हम पेपर कप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्न्स बन के बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है, तो एक बार आप जरूर इन्हें घर पे बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।